विधानसभा चुनाव के बाद अब बालोतरा में प्रशासन वापस सक्रिय हुआ। आज जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बालोतरा शहर के पार्कों व खेल स्टेडियम का जायजा लिया और नगर परिषद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम राजेश कुमार व नगर परिषद अधिकारियों के साथ बालोतरा के 3 नंबर रेलवे क्रॉसिंग स्थित सिटी पार्क, लूणी नदी किनारे वृंदावन गर्दन व ज्योतिबा फुले स्टेडियम का निरीक्षण किया। बालोतरा की जनता के लिए इन पार्कों में सुविधाएं बढ़ाने व इसके समुचित विकास को लेकर निर्देशन दिए। स्टेडियम के लिए जिला खेल परिषद के माध्यम से केंद्र व राज्य से स्कीम के तहत बजट आवंटन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। आज नगर परिषद और हमारे एसडीएम साहब और पूरी टीम के साथ सिटी विजिट किया है। यहाँ 2 पार्क हमने देखे हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से क्योंकि जन सुविधा का सबसे अच्छा साधन यही होता है कि आम आदमी मॉर्निंग वॉक करे, योगा करे, तो पार्क अच्छे होने चाहिए। सिटी पार्क क्योंकि हमने गोद दिया हुआ है तो उस पर भी जल्दी अच्छा काम होगा, और दूसरे पार्क जो हमारी लूनी नदी के किनारे है उसमें भी काम करवाएंगे। इसके अतिरिक्त स्टेडियम का भी हमने विजिट किया, तो जल्दी चूँकि नया ज़िला बन गया है तो डिस्ट्रिक्ट की जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उसका गठन कराने के साथ ही एक मीटिंग करेंगे और स्टेडियम के बारे में भी आगे डेवलपमेंट हो, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा मिले, स्टेट गवर्नमेंट का बजट हमको स्पोर्ट्स के तहत मिले, इसका प्रयास होगा, इसे प्रस्ताव तैयार करेंगे। साथ ही एक और प्रस्ताव आया था कि मोरचंग करके जो ITDC और RTDC की जो पर्यटन विभाग की बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बिना यूज़ की पड़ी हुई है, इसको भी आज विजिट किया है। मैं समझता हूँ कि इसमें हम कोई IHM टाइप जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के लिए प्लान कर सकते हैं, ऐसी मेरी आज पर्यटन विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। हम इससे ऐसा कोई प्रस्ताव बनाएंगे जिससे इस टाइप का इंस्टीट्यूट आ जाए, एक रेस्टोरेंट के रूप में उसको रन किया जा सकता है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसे जितने भी सरकारी संसाधन हैं जो जिनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं दिया गया, उनको हम उच्च प्राथमिकता से टेकअप करेंगे ताकि नए जिले बनने के साथ ही इन चीज़ों पर हम फोकस कर सकें। नगर परिषद की पूरी टीम को आज निर्देश दिए हैं यहाँ के पार्कों को अच्छे से मेंटेन करें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। बारे में चूँकि आपको पता है कि मास्टर प्लान इसका पूर्व में बना हुआ है बालोतरा का, और उसका जोनल डेवलपमेंट प्लान भी तैयारी में है, उसका भी हम जल्दी अप्रूव कराएंगे। और उसके साथ तो मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि जल्दी ही यहाँ पर बालोतरा में UIT का गठन हो या बालोतरा डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई गठन हो, इस संबंध में जल्दी प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे ताकि एक नई दिशा मिले प्लानिंग को, डेवलपमेंट को। लैंड का जो है बजट डेवलपमेंट होता है प्रॉपरली उपयोग नहीं हो पाता है, उसमें सुधार आए और एक अच्छी प्लानिंग बालोतरा शहर के लिए बन सके। जिला कलेक्टर ने सिवाना सर्किल पर पर्यटन विभाग की बंद पड़ी होटल का भी निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट तैयार करने व विभाग से सामंजस्य कर विकसित करने को लेकर चर्चा की।